मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार, नर्मदा उफान पर, कई जिलों में बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया, शिवना नदी ने किया पशुपतिनाथ का जलाभिषेक। एमपी में बारिश को लेकर एक्शन में सरकार, नर्मदापुरम के सेठानी घाट का सीएम शिवराज ने लिया जायजा, बाढ़ को लेकर सतर्क रहने के अफसरों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बारिश से बिगड़े हालात, कांकेर में नाला पार करने के दौरान तीन लोग बहे, रायगढ़ में तीन दिन स्कूल बंद, सीएम बघेल ने जिला प्रशासन को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक पर बीजेपी का विरोध, बीजेपी ने बघेल सरकार को बताया आदमखोर, कहा सहकारी समितियों के अधिकार छीनना चाह रही सरकार। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा तेज, विधायक दल की बैठक आज, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर के नाम की चर्चा। आम जनता को महंगाई का एक और झटका, अमूल और मदर डेयरी दूध ₹2 महंगा, एमपी में सांची दूध के भी बढ़ सकते हैं दाम। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है जहां आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है, बैठक में नए नेता प्रतिपक्ष पर मुहर लग सकती है। डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, अजय जामवाल भी बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक से पहले धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया, नेता प्रतिपक्ष बदलने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि विधायक दल की बैठक में जो होगा पता चल जाएगा। आपको बता दें, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर के नाम की चर्चा जो है वो इस समय तेज हो रही है। तो बैठक में डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, अजय जामवाल भी शामिल होने वाले हैं बैठक में। आपको बता दें, बैठक से पहले धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि बैठक में जो होगा पता चल जाएगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है जहां आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर। नेहा, आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है, कितने बजे से बैठक शुरू होगी और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में? बिल्कुल, आज बीजेपी विधायक की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे कुशभाव ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। इसमें मुख्य रूप से संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक लेंगे और इसमें शामिल होने के लिए जो प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, वो दिल्ली से खासतौर से इस बैठक में शामिल होने के लिए आज सुबह 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचेंगी। तो इस तरीके से ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि नए नेता प्रतिपक्ष के नाम आज यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। आज नए नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाना है। नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है धर्मलाल कौशिक की जगह पे जो है अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा, इनके जो नाम है वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही जो सबसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल जो महामंत्री हैं उनके नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि नारायण चंदेल को नए नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। तो इसका फैसला आज दोपहर 1 बजे बैठक में लिया जाएगा। और ये भी देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने मिशन 2023 में जुट गई है, जिसको लेकर के पूरी बदलाव की बयार चल रही है। लगभग सभी जो है संगठनों में जो है बदलाव किए जा रहे हैं। नए नेता प्रतिपक्ष के बाद इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके अगर यदि नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उनका वो पद खाली होगा, महामंत्री का पद खाली होगा, जिस पर नए आदिवासी चेहरा को जगह स्थान दिया जा सकता है। वहीं पे भाजपा युवा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है, उसके भी जो अध्यक्ष है वो बदले जाने की कवायद चल रही है, उसमें भी आदिवासी चेहरा को जो है स्थान दिया जा सकता है। तो इस तरीके से बीजेपी अपने मिशन 2023 में जुट गई है और लगातार जो है बदलाव की बयार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके बाद से बीते दिनों जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और अब नए नेता प्रतिपक्ष का जो नाम है आज वो सामने आ सकता है और आने वाले दिनों में भाजपा युवा मोर्चा और अन्य जो पद है उन पर भी एक नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखाने वाली है। तो इस तरीके से आज दोपहर 1 बजे ये फैसला हो जाएगा कि कौन नया नेता प्रतिपक्ष है। जी जी बिल्कुल, करीब 1 बजे जो है वो बैठक शुरू होगी जिसमें डी पुरंदेश्वरी शामिल होने वाली हैं और दिल्ली से वो स्पेशली बैठक में शामिल होने के लिए आ रही हैं। नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां रायपुर में आज प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह घाना के एलियासू सुले से भिड़ेंगे, तो आयोजन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग मैच का आयोजन जो है
वो किया गया है। तो बता दें आपको, आयोजन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इंदौर स्टेडियम में बॉक्सिंग का मैच जो है उसका आयोजन किया गया है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन किया गया है। वहीं रायपुर में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए तीखा हमला बोला है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार लोगों के चुनावी अधिकार को खत्म कर रही है। तो वहीं अजय चंद्राकर ने भी सरकार पर हमला बोला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, कांग्रेस तो जैसा मैंने कहा एक डरी हुई घबराई हुई और पिछले दरवाजे से सत्ता प्राप्त करना उनकी आदत में आ गया है। ये तो आपातकाल लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लोगों को दो वोट देने का अधिकार था नगरीय संस्थाओं में, एक महापौर के लिए एक पार्षद के लिए, तो एक वोट पहले छीना। और जैसे बोलते हैं ना कि अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया है। एक मॉडल कानून पर काम हो रहा है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, जैसा माननीय ब्रजमोहन जी ने बताया कि जो पेक्स में या लेम्पस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है तो वो आगे चुनाव आ जाए, जो परिणाम आएगा आएगा, देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ को लेकर सीएम ने कहा कि महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने बाढ़ को लेकर जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के कई गांव में जिला प्रशासन को विशेष निगरानी और सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं। तो जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले को निर्देश दे दिए गए हैं। बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो लगातार पैदा हो रहे हैं। अभी लगातार बारिश होने के कारण से नदी नाले पूरे उफान पर है और ऐसी स्थिति में सभी जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जो आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार अपनी निगाह रखे रहें और जहां जरूरत पड़े लोगों को सहायता करें। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस से एक अभियान चलाने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार जाकर महंगाई पर चर्चा करेंगे। 10 दिन तक कांग्रेस का ये अभियान चलेगा। तो 27 अगस्त को कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार जाकर महंगाई पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, 10 दिन तक कांग्रेस का अभियान चलेगा और 27 अगस्त को कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको इस समय रायपुर से बता रहे हैं, जब महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। सरकारी कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो बघेल सरकार ने डीए बढ़ाने की सहमति दे दी है। 5 लाख कर्मचारियों को अब लाभ मिलेगा। आपको बता दें, 6% महंगाई भत्ता में वृद्धि पर कर्मचारियों ने असहमति जताई है। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता की वो लगातार मांग कर रहे हैं। तो गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की भी वो मांग कर रहे हैं। तीसरे स्तर में हमने 5 दिन का आंदोलन किया था और कर्मचारियों ने शासन का बहुत साथ दिया है। 1 साल के बाद उन्होंने शासन ने बोला था कि कर्मचारियों की मांग पूरी होगी। आज 4 साल हो चुके हैं, जो कर्मचारियों की जो धैर्य की सीमा है वो अब टूट चुकी है। अब अनिश्चितकालीन जो हमारा चतुर्थ स्तरीय का जो है वो हमारा 22 तारीख से चालू है। हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने वाले हैं। बघेल सरकार ने कर्मचारियों को 6% डीए बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं सरकार के आदेश के बाद कर्मचारी संघ 22 अगस्त से बेमियादी हड़ताल पर अड़े हैं। कर्मचारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। तो मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से बातचीत की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद से भी कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। बीते कई दिनों से उनकी मांग थी कि केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप उनके महंगाई भत्ता मिले, लेकिन जो है अभी 6% वृद्धि के बाद भी कर्मचारी क्यों नाराज है आखिर उनसे ही जानते हैं। सर, सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ा दी है, इस पर आपने असहमति क्यों जता रहे हैं? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का शुरू से अपने इस 2 सूत्री मांग को लेकर स्पष्ट मत रहा है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान दे दिनांक से महंगाई भत्ता दिया जाए। बावजूद उसके जो 6% के आदेश जो जारी हुए हैं, ये फेडरेशन की मांग रही ही नहीं है। और जो आदेश जारी हुए हैं, उस आदेश में भी हमारे दे दिनांक से इस महंगाई भत्ते को दिए जाने का आदेश भी नहीं है। और बहुत हतप्रभ की बात यह भी है कि जो 6% का जो एक जो आंकड़ा है, ये 6% आंकड़ा तो है ही नहीं, 4-3, 4-3 और फिर 3 का एक केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। तो जो है 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। कैमरा पर्सन रविंद्र नागलकर के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज 24 रायपुर। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए रुख करते हैं अहम खबरों का, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जहां बीजेपी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा इस महीने के आखिरी, जबकि अमित शाह सितंबर की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके अध्यक्ष बनते हैं तो एक समय सीमा होती है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता कि जन्म लिया गांधी परिवार में तो जब तक रहेंगे तो मैं अध्यक्ष, नहीं तो मेरा बेटा अध्यक्ष। यहाँ परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है और ये परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे पार्टी के सिद्धांतों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बूथ लेवल तक ले जाते हैं, पर ये तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजा होते हैं, सामंतवादी लोग होते हैं, घर में बैठकर आर्डर चलाते हैं। वो आएंगे, हम सब उनका स्वागत करेंगे और बूथ क्या गली मोहल्लों में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। छत्तीसगढ़ आके वार्ड लेवल की, बूथ लेवल की बैठक ले रहे हैं, यह इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा मजबूत है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कितना ज़्यादा जनहितैषी कार्य कर रही है कि देश की अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ आके छत्तीसगढ़ के बूथों की बैठकें लेना पड़ रहा है। प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री अजय जामवाल ने बिलासपुर पार्टी दफ्तर में विधायक दल के बैठक से पहले बंद कमरे में संगठन के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजयुमो 24 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेगी, तो बड़े नेताओं के फेरबदल के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार को रायपुर में चर्चा कर फैसला किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम है, तो बैठक को 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं मीडिया के सवालों से क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि आगे सबका भला होगा। परिचयात्मक बैठक रही है, लोगों से परिचय लिया है, विश्वास जिताया है कि पुराना संगठन है, हम सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, ठीक है अभी सरकार हमारी नहीं रही लेकिन लंबे समय तक सरकार रही छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, तो हम फिर सरकार बनाएंगे। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना चाहिए और जो सहयोग बनेगा मैं अपने तरफ से सहयोग करूँगा। बड़े फेरबदल क्या होगा, एक प्रदेश अध्यक्ष क्या हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा, बाकी चलता रहेगा, हम भी वही हैं, आप भी वही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है, उसकी तैयारियों को लेकर भी इस आज की बैठक में बातचीत हुई है। हमारे बोलने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे नेतागण हैं विधायक दल के, पूछिए जो पूछना है। बिलासपुर कैसा लगा, पहली बार आया? बहुत सुंदर लगा छत्तीसगढ़, अति सुंदर लगा और सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा, सब भला होगा, बस सब अच्छा होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में श्रमवीर सम्मान 2022-23 कार्यक्रम के तहत श्रमवीरों का सम्मान किया, जिसमें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता भी सम्मानित हुए। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से किया गया और इस समारोह में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रायपुर संवाददाता सत्यपाल राजपूत और शिवम मिश्रा समेत जांजगीर चांपा के संवाददाता रवि गोयल को जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में ऑपरेशन राहुल के दौरान रिकॉर्ड 109 घंटे लाइव कवरेज करने के लिए सम्मानित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा संघर्ष के बहुत से साथी यहां उपस्थित हैं। पत्रकारों के जीवन है वो बड़ा कठिन, एक जुनून है कि मुझे पत्रकारिता करनी है, चलाता है स्पीड। फिर मुश्किल भी उसमें स्थापित होना और कठिन काम, और यदि कुंवारेपन में आ गए तो तिवारी जी अभी भी जहां रामपुर चौक के इलाके आईटीआई चौक पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नगर निगम का दास्ता आईटीआई चौक पर कार्रवाई के लिए पहुंचा था तो वहीं मछली बेच रहे युवक ने कार्रवाई का विरोध किया और इस दौरान युवक गले में रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई तो उधर घटना की सूचना मिलते ही रामपुर चौक की पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक से नीचे उतरने के लिए घंटों समझाइश की तो काफी देर बाद युवक की मां और पुलिस के कहने पर युवक पेड़ से नीचे उतर गया। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली तो वहीं युवक नगर निगम कर्मचारी और लोगों पर तमाम तरह के आरोप लगाने लगा। युवक का कहना है कि निगम कर्मी बार बार परेशान करते हैं, साथ ही कर्ज नहीं चुकता करने पर कर्जदार बाइक लेकर चले गए हैं। तो वहीं नगर निगम तोड़ू दस्ता प्रभारी ने युवक के आरोपों को नकारते हुए कहा कि नगर निगम इलाके में कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो युवक से भी कब्जा हटाने के लिए कहा गया। आईटी चौक से बालकू जाने वाली मुख्य मार्ग पर कुछ दिन पूर्व मछली विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेताओं द्वारा मछली बेचकर यहाँ पर धंधा पानी किया जा रहा था। चूँकि यह सार्वजनिक जगह है और मुख्य मार्ग है, ऐसी स्थिति में आम पब्लिक को और लोगों का शिकायतें प्राप्त हुई थी तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन अनुसार वहाँ पर से आईटीआई चौक के जो आगे बालकू रोड है वहाँ के किनारे जो मछली विक्रेता थे उनको हटा करके दूसरी जगह व्यवस्थित किया गया था। आईटीआई चौक के पास एक युवक मछली का दुकान लगा रहा था जिसको निगम के कर्मी उसको वहाँ पर गए थे कि दुकान यहाँ से हटाने के लिए बोले, जिस पर युवक दबाव बनाने के लिए वहीं बगल में एक पेड़ के पर चढ़ गया था और आत्महत्या करने का धमकी दे रहा था, जिसे निगम और पुलिस के द्वारा समझाइश देकर उतारा गया है, उसके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। वेतन नहीं मिलने से रायपुर में कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। कर्मचारी तीन सूत्रीय मांग को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल तीन दिवसीय धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान, वेतन मान वृद्धि और भविष्य निधि की सुविधा की मांग की है। कर्मचारी छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान प्रदेश अध्यक्ष से हमारे संवाददाता ने मामले को लेकर खास बातचीत की। अगर आप साल भर काम करते हैं और आपको वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो आपकी स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। और ये आसपास जो तस्वीर देख रहे हैं ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी साल भर से जो है भुगतान नहीं हुई है तो इनके हालात क्या है वो समझेंगे, लेकिन इनका जो मांग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आप लोग ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य स्तरीय, क्या मांग क्या है? हम लोग का तीन सूत्री मांग पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हम लोग का तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा। इसमें हम लोगों ने तीन सूत्री मांगों पे काम कर धरना प्रदर्शन किए हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है कि 9 महीने से छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विगत 9 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। दूसरा क्या है?
लगभग हम 7 साल से इस विभाग में कार्यरत है, लेकिन हमारा अभी किसी भी वर्ष पेमेंट का बढ़ोतरी नहीं किया गया है, तो पेमेंट का बढ़ोतरी किया जाए। चिंताजनक बात है, कोई काम करता है और उसको अगर वेतन का भुगतान नहीं होता है तो उसके परिवार के क्या हालात होंगे, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, घर में बच्चों का फीस देना है, घर में भरण पोषण करना है, हालात यहाँ पे जो है सुधरने के नाम नहीं ले रही है। इसके पहले कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल अभी 3 दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि चेतावनी दी गई है, अगर इन 3 दिनों में इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये दिल्ली के लिए रुख करेंगे। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, News 24 रायपुर। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से महानदी का जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। बिलासपुर संभाग के आईजी रतनलाल डांगी बाढ़ प्रभावित इलाके पहुंचे और निरीक्षण किया। दरअसल गंगरेल डैम का गेट खोले जाने के बाद से महानदी का जलस्तर बढ़ा है, उधर शबरी पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। तो आईजी रतनलाल डांगी ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, तो आपको बता दें शबरी पुल के ऊपर से नदी का पानी जो है वो लगातार बह रहा है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया, तो महानदी का वाटर लेवल बढ़ने से निचले बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच आईजी रतनलाल डांगी ने निचले इलाकों का निरीक्षण किया। विधायक अनूप नाग कांकेर के मणिपुर गांव हेलीकॉप्टर से पहुंचे, विधायक नाले के उफान पर होने के चलते हेलीकॉप्टर के जरिए मणिपुर गांव पहुंचे, तो वहीं विधायक ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान तहसीलदार समेत स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच विधायक जो है वहां पर लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। तो तहसीलदार समेत स्थानीय प्रशासन मौके पर आपको बता दें मौजूद रहा। दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच विधायक जो हैं वहां पर पहुंचे, तो विधायक अनूप नाग हेलीकॉप्टर से मणिपुर गांव पहुंचे और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का ढांढस बंधाया। तो तहसीलदार समेत स्थानीय प्रशासन जो है वहां पर मौजूद रहा। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया था। आपको बता दें कि दीवार गिरने से मकान की 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बीच विधायक जो हैं परिजनों के पास पहुंचे। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि विधायक जो हैं वो स्थानीय प्रशासन के साथ मणिपुर गांव पहुंचे और परिजनों से उन्होंने चर्चा भी की। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बन रही है News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।